अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों से कहूंगा। हमारा चैनल है नेशनल सेविंग एंड बैंक्स, मतलब प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट के बैंक हो, नेशनल सेविंग एंड बैंक्स। अच्छा, हमारे जो चैनल बनाने का मेन मकसद क्या है, वो मेन मकसद ये है कि जनाब, जिसको मेन मकसद कह लें या चैनल का मैनिफेस्ट कह लें, वो ये जनाब, किस तरह जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो उसको 10 गुना बढ़ा दीजिए। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए या आपके पास 1 लाख रुपए है, तो किस तरह बैंकों में इन्वेस्ट करके जायज तरीके से जो है वो 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर लिया जाए जल्द अज जल्द, और 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर लिए जल्द अज जल्द, और ये प्रोसेस जो है वो लीगल हो, मतलब बैंकों के जरिए हो, बैंकों में पैसे रखवा के प्रॉफिट के जरिए हो, कोई इलीगल काम ना हम करें, ठीक है। तो जनाब ये है हमारे चैनल का मैनिफेस्ट, ये चैनल बनाने का मेन मकसद, ठीक है। अच्छा जनाब, वीडियो की तरफ आते हैं। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब एमसीबी बैंक की प्रोडक्ट है उसके हवाले से। एमसीबी बैंक ने प्रॉफिट रेट का अनाउंसमेंट कर दिया 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक, मतलब ये कि 6 महीने के लिए इन्होंने अपने प्रॉफिट रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इन 6 महीनों में जो भी इनकी प्रोडक्ट लेगा उसका प्रॉफिट रेट जो इन्होंने मेंशन किया उसी के मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक दो चीज़ और ऐड कर दूँ। आज की वीडियो में बात करवाएंगे कि अकाउंट खुलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। अच्छा, दूसरा कि विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं अगर नॉन फायदा है कोई तो, ठीक है। ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, और कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्या हम इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्ट है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाए किए हुए। प्रोडक्ट का नाम है जनाब एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। आगे चलते हैं जनाब, इसकी की फीचर्स की बात करते हैं। एमसीबी ने अपने कस्टमर्स के लिए, मेरे आपके लिए क्या चीज़ें अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है, तो की फीचर्स में जनाब है प्रॉफिट मंथली पेमेंट, मतलब हर महीने जो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जैसे महीना खत्म होगा रात के 12:01 में आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नया क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनाब अनलिमिटेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट, मतलब जितना दिल करें पैसे जमा करवाए, जितना कर चाहे निकाले। अच्छा, फ्री ई स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप देंगे रिक्वेस्ट कि मुझे फ्री ई स्टेटमेंट चाहिए तो वो आपको फ्री मिला करेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, फ्री प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस होगा मंथ का उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब हर महीने जो है आपको इसको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या, इनिशियल डिपॉजिट एज लो एज 1000 रुपये से जनाब ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह की बात करें, मतलब ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों पे इनके डिस्काउंट चल रहे होते हैं बैंकों के प्रोडक्ट्स के, तो उस डिस्काउंट को देखते हैं। 50% डिस्काउंट होते हैं फॉलोइंग सर्विस, क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन, इंटर सिटी ऑनलाइन बैंकिंग, इस पर 50% का जो भी चार्जेस है 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या, बैंकर्स चेक ओपीडी और पीओडीडी डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर पे जो है ये बैंकर चेक बनाते हैं, तो उसपे उसके जो चार्जेस उस पर भी 50% का डिस्काउंट होगा। अच्छा, इशू ऑफ चेकबुक न्यू और लॉस्ट, अगर चेकबुक इशू कराते तो उस पर भी चार्जेस उस पर भी 50% डिस्काउंट होगा। अच्छा, इसका स्मॉल साइज लॉकर्स होगा उस पर भी 50% डिस्काउंट, इसीलिए सिल्वर या गोल्ड डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो उस पर भी 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा जनाब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, क्राइटेरिया में क्या है, कौन लोग इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। फॉर अ सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट द प्राइमरी अकाउंट होल्डर एज शुड बी 55 ईयर्स और अबव, वाइल सेकेंडरी अकाउंट होल्डर कैन बी लेस देन 55 ऑफ एज। अच्छा, ये है कि जैसे कि जो पहला कस्टमर हो, जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर सिंगल खुलवाते हैं तो सिंपली ये होगा कि जो भी शख्स जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा वही अकाउंट खुलवा सकता है। अगर ज्वाइंट खुलवाते हैं तो जनाब ज्वाइंट में जो पहला फॉर्म पे जो पहला बंदे का नाम लिखेंगे आप,
वो उसकी एज कम से कम 50 साल होनी चाहिए, और दूसरे की 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जो आप फॉर्म में जो शख्स जिस शख्स का फॉर्म नाम भरेंगे उसकी एज कम से कम 50 55 साल या 55 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते जनाब, सेल्फ सर्विस चैनल से क्या मिला था, ATM है, ठीक है, कॉल सेंटर है, MCB लाइव ऐप है, ठीक है, जो मोबाइल में ऐप अपलोड करते हैं। तो जनाब ये थी MCB की डिटेल्स के, और उन्होंने अपने चीज अपने जो ये प्रोडक्ट है उसमें के बारे में क्या बताया है, कोशिश की हमने आपको डिटेल्स में बताया। अच्छा, इसके अलावा हमने स्टार्ट में कहा था वीडियो के अकाउंट खुलवाने का तरीका या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो जनाब दो तरीकों से आप अकाउंट खुले, एक तो डिजिटली खुलना है, आप जो है वो अपने लैपटॉप से अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी की तस्वीरें खींचेंगे, सैलरी स्लिप की तस्वीरें खींचेंगे, अपने लैपटॉप के सामने बैठ के जो है तस्वीर खिंचाएंगे, मोबाइल के सामने तस्वीर भिजाएंगे, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो वो स्टेप करते जाएंगे तो ऑनलाइन आपका अकाउंट खुल जाएगा, इसको डिजिटल अकाउंट कहते हैं। लेकिन ये डिजिटल अकाउंट हर किसी के बस की बात नहीं होती जनाब, लोग वो पुराने प्रैक्टिस पे चल रहे ब्रांच ब्रांच के थ्रू। तो ब्रांच की बात कर लें जनाब, MCB पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत तरक्की याफ्ता बैंक और बहुत ही मंझा हुआ बैंक है, ठीक है। और MCB जितनी तारीफ की जाए कम है, जो है बहरहाल, तो MCB की ब्रांचेस जो है वह हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगी। तो MCB किसी ब्रांच का विजिट करें और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है जो अब तो प्रैक्टिस बन चुकी है कि ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना था। तो उस फॉर्म पे फॉर्म भर दीजिएगा, आप साइन कर दीजिएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लीजिएगा, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लीजिएगा, और एक चीज़ और आपने अपने साथ रखना है अकाउंट खुलवाने की, वो है इनकम प्रूफ, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में आप जनाब सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं, या फिर अपनी कंपनी से कोई लेटर ले लेंगे हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इस पर इसका अकाउंट खोल दो तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। मतलब CIC की कॉपी, इनकम प्रूफ और फॉर्म, ये चीज़ें आप देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीज मैं आप बता दूं, प्रॉफिट रेट की बात करते हैं। इसके अलावा ज़कात टैक्स की बात करें, अगर चूंकि सेविंग अकाउंट है उस पर ज़कात भी होगा, तो ज़कात से बचने का तरीका है कि CZ50 का फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी देते हैं कहते हैं, वो आप जमा करवा दें तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लें, चूंकि विथहोल्डिंग टैक्स भी कटता है, लेकिन विथहोल्डिंग टैक्स सिर्फ नन फाइलर पर कटता है, अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, 1 रुपये भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो उसको 1,00,600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो जनाब आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स से बचना, तो सिंपल ये है कि आप या तो कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, आप पे ऑर्डर डिमांड ऑफ चेक से ट्रांजेक्शन करें, या फिर ट्रांजेक्शन पर डे 50,000 से कम की करें तो आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, या फिर अपने आपको फाइनल में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। ज़कात हो गया, विथहोल्डिंग टैक्स हो गया। अच्छा जनाब, अब रह गया इनकम टैक्स, मतलब ज़कात से भी बच सकते हैं, इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं, लेकिन ज़कात से भी बच सकते हैं और विथहोल्डिंग टैक्स भी बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स को देना ही देना, फाइलर 15% और नॉन फाइलर 30%। तो अभी हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इफेक्टिव इंटरेस्ट, और देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या बनता तमाम चार्जेस निकालने के बाद। अच्छा, ये सर्कुलर मौजूद है मेरे पास MCB बैंक का, ठीक है, ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये जनाब इसमें इन्होंने बताया है कहाँ, ये देखें, ये जो रेट है वो कब तक है, जनवरी टू जून 2024, मतलब पूरे 6 महीने के लिए रेट जो है वो MCB का इशू हुआ है, और 6 महीने तक ये एप्लीकेबल है, जो रेट आज लगे वो 6 महीने तक उस हिसाब उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं MCB सीनियर सिटीजन अकॉर्डिंग टॉप पे आपको दिख रहा है, इसका प्रॉफिट रेट 20.50% है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का 20.50%। लेकिन बहरा इस पर हम देखेंगे, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आपको 20.50, लेकिन इस पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या बनता है इनकम टैक्स काटने के बाद, फाइनल 15% और नेट फाइनल पे 30%, और फिर देखते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट की कोई सूरत बन सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं और हम कैलकुलेशन बनाएंगे 1,00,000 के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए, होता क्या है जनाब, अगर आप MCB सीनियर सिटीजन अकाउंट में पैसे रखवाते हैं और हर महीने आपको अगर आप फाइल रहे तो 1,452 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब देखिए मैं बता देता हूँ उसको डिटेल में, चले साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 1,20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये, ठीक है। अगर आप नन अगर आप फाइल रहे तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,452 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। नन फाइलर की बात करते हैं, जरा प्रॉफिट आपको जो प्रॉफिट बनेगा साल का 20,500, मंथली प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये,
अगर आप नन फाइनल 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 513 रुपये, और टैक्स कार्ड में 1196 या तकरीबन 1200 रुपये जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इशू ये है कि जनाब हम इसको करते हैं कुछ इस तरह, कि जनाब हमें लेना है कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा इसको, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहूँगा। असल में होता क्या है जनाब, अब जो देर दौर आ गया है वो लोग कहते हैं ठीक है प्रॉफिट तो दे रहे हैं मुझे, हमें तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट चाहिए। अब लोग बात करते हैं हर प्रोडक्ट पे कंपाउंड प्रॉफिट की, भाई कंपाउंड प्रॉफिट का कोई सिलसिला बन सकता है? तो देखिए जनाब सिंपल सी एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है जनाब, आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो पूरे साल का आप रिकॉर्ड रख देते हैं, इस महीने पहले महीने इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने में कम प्रॉफिट हुआ, तीसरे महीने में लॉस हुआ, चौथे महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, छठे महीने में ये हुआ, आठवें महीने में बहुत हैवी लॉस हुआ, नवे दसवें महीने बहुत हैवी प्रॉफिट हुआ, और पूरे साल की कैलकुलेशन लगाने के बाद फिर उसको 12 से डिवाइड करके देखते हैं कि पहले पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें से जो लॉस हुआ उसको माइनस करते हैं, फिर देखते हैं कि नेट प्रॉफिट ये हुआ उसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं, और फिर देखते हैं कि हर महीने का आपका प्रॉफिट कितना बना। मतलब कि कोई भी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 1 साल का टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि बैंकों भी देखेंगे तो बैंक भी जो है साल में एक दफ़ा क्लोजिंग कर रहा होता है, या आप TDR जमा करवाते हैं तो TDR में क्या होता है 99% जो TDR बुक होता है वो प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी मिलता है, मतलब 1 साल या 3 साल बाद मिलता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे जनाब कि MCB में आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं तो आप जो है उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट को निकालेंगे नहीं है, आप अपने सेविंग अकाउंट में ही प्रॉफिट रहने देंगे। तो होगा क्या जनाब, आपका फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो है वो रखवाया है अपना सीनियर सिटीजन अकाउंट में, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, तो होगा क्या पहले महीने का प्रॉफिट आएगा जनाब वो कितना आ गया, तकरीबन 16,000 रुपये एक महीने का प्रॉफिट आ गया। अगले महीने क्या होगा, आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा, 16,000 रुपये जो आपको प्रॉफिट मिला था प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिलेगा। और इसी तरह दूसरे महीने क्या होगा, दूसरे महीने का 32,000 के पे प्रॉफिट आएगा और 10 लाख जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें भी प्रॉफिट आएगा। और 6 महीने बाद चले जाएंगे आप तो जनाब होगा क्या कि 10 लाख रुपये जो आपकी 10 लाख की अमाउंट आपकी 11 लाख रुपये बन चुकी होगी और 11 लाख रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा, और 1 साल बाद तकरीबन आपकी 1 लाख की अमाउंट जो 12 लाख रुपये बन चुकी होगा, 12 लाख रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा। तो जनाब इस तरह जब आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो देखेंगे साल के आखिर में 1 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको जब आप कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, उसको नेट प्रॉफिट निकालेंगे टैक्स काटने के बाद और फिर 12 से डिवाइड करके देंगे तो पता ही चलेगा आपको प्रॉफिट जो है 20.50 के हिसाब से नहीं मिल रहा बल्कि 22.55% के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हबीब बैंक लिमिटेड ने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहा है कि इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका ये बनेगा 1 साल तक अगर आप ना प्रॉफिट निकलवाते हैं और ना ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं। तो देख लेते 22.55% के हिसाब से क्या बन रहा है। ठीक है, साल का मुनाफा बन रहा है आपका 22,550 रुपये, मंथली प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 1,880 रुपये तकरीबन, अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेंगे जिसकी अमाउंट बन रही है 282 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,570 रुपये तकरीबन 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से तो आप प्रॉफिट बनेगा पूरे साल का। ठीक है, और इसी तरह नन फाइनल की बात कर लें तो जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,550 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका तकरीबन 1,880 रुपये, अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेंगे जिसकी अमाउंट बन रही 564 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका। ठीक है, तो जनाब दुनिया तो इसी चीज से भाग रही है, मैं भी यही भाग रहा हूँ कि भाई जो सेविंग आ रही है उस पर मजीद प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करें ताकि एयर द एंड जो है मुझे बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट मिल सके। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के हवाले से, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है और ये प्रॉफिट रेट उन्होंने 6 महीने की अनाउंस किया, मतलब ये कि जून से पहले 30 जून 2024 से पहले तो है वो प्रॉफिट आपको ये कम नहीं होने वाला, इसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो जनाब प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।